ऑन हो जाएंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, एक 9 वोल्ट के बैटरी के ऊपर करना आपको। यस सर। और नेक्स्ट ईयर होगा अपना ड्रोन, आप लोग को ड्रोन बनाना सिखाएंगे करना आपको। यस सर। ड्रोन को घुमाना पूरा, ड्रोन के अंदर कैमरा भी होगा, आप लोग पूरा स्कूल का वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। राइट। हां सर वो सब करेंगे। हां लाइसेंस लगता है। राइट, लाइसेंस लगता है। बट इंजीनियरिंग के जो भी बच्चे होते हैं या डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बच्चे, उनको अलाउड होता है ड्रोन उड़ाना, बट सिर्फ कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर अलाउड नहीं होता है। ठीक है। क्यों सर? नहीं नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कैमरा लगा होता है। इन केस एक एग्जांपल देता हूं, एक बड़ी बिल्डिंग है, आप लोग वो कैमरा ड्रोन को लेके जाओगे वॉशरूम के बैक साइड खिड़की के ऊपर, इसके लिए वो सब बैंड की है, क्योंकि अपने बच्चे के अंदर ज्यादा क्रिएटिविटी है। सुनो, अभी स्टार्ट करते हैं अपना रोबोटिक्स का मेन पार्ट। क्या लिखा है जरा रीड करो। कोई हाँ, आप खड़े हो जाओ और एक बार रीड करो, पहला पैराग्राफ रीड करो। एटोमेटिक डिवाइस और सिस्टम दैट परफॉर्म फंक्शन बिलोंगिंग टू ह्यूमन विद ह्यूमन अफेयर्स। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है एक्चुअली। रात को 3:30 बजे मेरा पीपीटी खत्म हो रहा था, मैं सो रहा था और टाइप कर रहा था, इसलिए ऑटोमेशन का स्पेलिंग भी रॉन्ग हो गया। देखो ठीक है, अभी मैं रीड करता हूँ। ऑटोमेशन इज अ डिवाइस ऑफ सिस्टम दैट परफॉर्म अ फंक्शन बिलोंग्स द ह्यूमन विद व्हाट अपीयर टू बी ऑलमोस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब क्या, कोई बोल सकता है हिंदी में? रोबोट मतलब एक ऐसा ऑटोमेटिक डिवाइस है जो सेम ह्यूमन की तरह, ह्यूमन में जो इंटेलिजेंस है उसका काम करता है, काम करेगा। एग्जांपल अभी मुझे एक वर्किंग बैठ जाओ सर, देखो बोलना सर, मस्ती मत, वीडियो शूट हो रहा है, मस्ती मत।